हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोगों की अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी और आप लोग बढ़िया से वीडियो देख रहे होंगे, क्वेश्चंस को समझ रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस अपने। आज मैं लेके आई हूँ फिलिप्स के क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स हैं आपके, तो आप लोग बताइएगा कौन सा आपका करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन आपका फिल किया जाएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा आपकी स्क्रीन पर। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? ही डैश The ground before the match started. He the ground dash the ground before the match started. Match start होने से पहले वह ground पर क्या हो गया था, मतलब ये बताना है। Has cleaned, उसने साफ कर दिया था। Was clean, is clean या had cleaned? आप बताइए A, B, C या फिर D में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, बताइए। He dashed the ground before the match started. देखिए before वाले sentences जो होते हैं इनमें आपका क्या rule होता है कि before वाले sentences में जो आपका before के पहले वाला होता है, before के पहले वाला sentence कि पहले, एक होता है past में tense, एक और past के भी past में tense चल रहा है कि पहले वो क्या कहा गया कि match start हो गया था, उससे पहले उसने clean कर लिया था ground, ये कहा गया है। तो दो पास्ट हो गए, पहले उसने क्लीन किया और उसके बाद मैच स्टार्ट हुआ, लेकिन दोनों पास्ट में है। तो बिफोर के आगे वाला जो सेंटेंस होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं और इसके पहले वाला होता है पास्ट परफेक्ट में, कि बिफोर से पहले वाला मतलब जो उसने मैच स्टार्ट होने से पहले भी उसने वो काम कर लिया था। तो पास्ट इंडेफिनिट से भी पहले हमारा क्या होता है? पास्ट परफेक्ट। तो ऐसे आपका रूल होता है, बिफोर से पहले वाला पास्ट परफेक्ट में बनेगा और बिफोर के बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट। तो चलिए इसमें कौन सा ऑप्शन आपका फिर करेक्ट हो जाएगा? डी वाला। डी वाला आपका क्या है? हैड क्लीन्ड, हैड क्लीन्ड द ग्राउंड बिफोर द मैच स्टार्टेड, उसने मैदान साफ कर दिया था शुरू होने से पहले। क्या? बिफोर द मैच स्टार्ट उसने ग्राउंड जो था वो क्लीन कर दिया था। ठीक है, दोनों पास्ट टेंस में है इसलिए पहले पास्ट इंडेफिनिट आएगा, इसके बिफोर के पहले वाला पास्ट परफेक्ट, उसके बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट। जो सबसे पहले काम हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में, जो उसके बाद काम हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, चलिए ये रूल है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी हरीड एम डैश एग्रीमेंट बिफोर साइनिंग अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। ये सिंगिंग लिखती है क्या? ये सिंगिंग लिख गया है साइनिंग की जगह पर, आप लोग प्लीज समझ जाइए कि साइनिंग लिखा गया है। एक मिनट क्वेश्चन चेक कर लेती हूँ। साइनिंग है, ठीक है, सिंगिंग नहीं है। कि वी हरीड एम डैश एग्रीमेंट बिफोर साइनिंग अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, SIGNING आप कर लीजिएगा सिंगिंग की जगह पर। ठीक है, कि हमने जल्दबाजी में क्या था कि एक एग्रीमेंट करा बिफोर साइनिंग है फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले हमने क्या करा? एक एग्रीमेंट करा जल्दबाजी में। कौन सा एग्रीमेंट करा? ओरल करा, क्वाइट करा, म्यूट करा या साइलेंट करा, बताइए। क्या आपका ऑप्शन होगा करेक्ट, बताइए आप। कि उसने ओरल एग्रीमेंट करा या आपका साइलेंट एग्रीमेंट करा या आपका कौन सा ऑप्शन है, या म्यूट करा या क्वाइट करा? देखिए क्या है कि उसने जल्दबाजी में एन लगा है, एक क्या किया। देखिए वैसे आप इसमें ऑप्शन से ना ही जाए, सबसे ज्यादा आपका इजी इसमें ट्रिक क्या लग रही है? एन लग गया है आपका, क्या लग गया है? एन लग गया है, आर्टिकल लग गया है। और ए और एन का हम लोग क्या करते हैं यूज, एन का यूज कब करते हैं? जब वॉवल साउंड आती है। और यहाँ पर देखिए वॉवल्स, आपको बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है कि किसका क्या मीनिंग है, डायरेक्ट आप लगा सकते हैं क्या, एन के अकॉर्डिंग अपना वर्ड पुट करिए। ओरल, क्वाइट, म्यूट या साइलेंट। देखिए क्यू में नहीं आता है, एम में नहीं आता, एस में नहीं आता, तो आपका किस में आएगा? ओ में, ओरल ना। वॉवल साउंड आपकी किस में आ रही है? वॉवल साउंड आपकी किस में आ रही है? ओरल, ए वाले ऑप्शन। तो आपका यहीं से आप देख लेंगे कि एन ओरल, उसने जल्दबाजी में क्या था, जल्दी से क्या है, मौखिक उसने एग्रीमेंट किया बिफोर साइन फॉर्मल कॉन्टेक्ट होने से पहले, मौखिक उसने एग्रीमेंट किया। ठीक, एन ओरल हो जाएगा। क्वाइट मतलब शांत हो गया, म्यूट मतलब भी चुप हो गया, साइलेंट मतलब भी चुप हो गया। चुप एग्रीमेंट थोड़ी करा, शांत एग्रीमेंट थोड़ी करा। ओरल, मौखिक,
ओरल मौखिक उसने एग्रीमेंट करा, ठीक है, पहले से समझ लिया उसने, फिर बाद उसने साइन करा। और अगर आप मीनिंग पे ना जाए तो डायरेक्ट आप एम के अकॉर्डिंग ओरल लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कमेटी मेंबर्स वर इन डैश ओवर द बजट फॉर द फंक्शन। ये जो कमेटी मेंबर्स थे वो क्या थे, इन किसमें थे, ओवर द बजट फॉर द फंक्शन। क्या बताइए, जो बजट था फंक्शन का उस पर क्या थे कमेटी मेंबर्स, डिफेंड थे, डिसेंट थे, डिसेंट थे या डिफेंस थे, बताइए ऑप्शंस आपका कौन सा करेक्ट होगा, ए बी सी या फिर डी। देखिए देखिए डिफेंड मीन्स क्या होता है, बचाना, डिफेंड करना ना, वो हो गया डिफेंड का मतलब, तो आया कि कमेटी मेंबर्स डिफेंड थे, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। डेसेंट मीन्स क्या होता है, डी एस सी एन टी मीन होता है आपके वंश है ना, डेसेंट वंश, वंश होता है डेसेंट मीन्स, ठीक है। डिफरेंस मीन्स अंतर हो गया, तो आपका ऑप्शन क्या है, डिसेंट। डिसेंट मीन्स क्या होता है, डिसेंट जो आपका मीनिंग है, डिसेंट इसका मीनिंग होता है असहमति, असहमति, ठीक, असहमत थे, क्या थे, असहमत थे, एग्री नहीं थे, डिसएग्री थे, क्या थे, डिसएग्री थे, डिसएग्री थे, कौन सा ऑप्शन है आपका, सी वाला। इफ द कमेटी मेंबर्स वर इन डिसेंट कि वो असहमत थे ओवर द बजट फॉर द फंक्शन, फंक्शन के बजट के ऊपर, ठीक है, उस पर वो लोग आपस में जो थे असहमत थे, ठीक। डिफेंड नहीं होगा, डिसेंट नहीं होगा, डिफरेंस अंतर था, ये भी नहीं होगा, डिसेंट में असहमति होता है, डिसएग्री थे एक दूसरे से, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माय ग्रैंड मदर कैन नॉट रीड और राइट, शी हैज डैश नॉलेज ऑफ वर्ड्स। क्या कहा गया कि माय ग्रैंड मदर जो है, मेरी दादी जी हैं या नानी जी हैं, वो क्या है, कैन नॉट रीड और राइट, ना पढ़ सकती हैं ना लिख सकती हैं। She has knowledge of words, उन्हें words की knowledge है, क्या knowledge है, the little knowledge है, the few knowledge है, a few knowledge है या फिर little knowledge है, बताइए comment करके बताइए। आप लोग please comment करके करा करिए कि आपको कौन सा option correct लग रहा है या कौन सा question आपको समझ में नहीं आ रहा है, please comment करा करिए, तो मुझे पता लगता रहेगा ना कि आप लोग भी साथ में पढ़ रहे हैं। देखिए देखिए कि उनकी दादी जी जो है या नानी जी हैं, उनको क्या है, बिल्कुल लिखना पढ़ना नहीं आता, इसका मतलब क्या हो गया कि उन्हें वर्ड्स की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी। तो बिल्कुल भी के सेंस में क्या आता है, बिल्कुल भी के सेंस में आता है एक आपका फ्यू आता है और लिटिल आता है, और यहाँ पर फ्यू जो है आपका, फ्यू हम लोग यूज करते हैं काउंटेबल सेंस के साथ। नॉलेज आपकी कैसी है, नॉलेज अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है ना, कोई थिंग ऐसी नहीं है कि जिसे हम काउंट कर सकते, ज्ञान का भंडार बहुत है, ठीक है, नॉलेज जो है अनकाउंटेबल है आपकी, उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। और जो फ्यू वाले ऑप्शन है इन्हें तो आप ऐसे ही रिमूव कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए, कि द फ्यू और अ फ्यू जो है इसे एलिमिनेट कर दीजिए, ये आपके लगते हैं किसमें लगते हैं, जब काउंटेबल आपकी चीज होती है, काउंटेबल चीज होती है, काउंटेबल नाउन होता है, ठीक। तो अब द लिटिल और लिटिल में से कौन सा आएगा, ए और डी में से कौन सा आएगा, देखिए लिटिल मीन्स क्या होता है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक, बिल्कुल भी नहीं, ठीक, तो बिल्कुल भी नहीं उसको नॉलेज होनी चाहिए। द लिटिल मीन्स क्या होता है, और ए लिटिल, तीन होते हैं आपके ना, तीन होते हैं, तो लिटिल हो गया बिल्कुल भी नहीं, जितना बहुत कम है मतलब बिल्कुल भी नहीं है। और ए लिटिल इसके बाद आता है, ए लिटिल, ए लिटिल मीन्स होता है कि थोड़ा, थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा, मतलब बहुत ही थोड़ा। और द लिटिल का मतलब होता है जितना है उतना, जितना है उतना, पर अपर्याप्त, क्या है कि वो सफिशिएंट नहीं होता है। द लिटिल मतलब भी क्या होता है, थोड़ा सा तो है लेकिन जितना है उतना ले लिया, लेकिन वो भी क्या है, वो सफिशिएंट नहीं, ठीक है, वो भी कम है। लेकिन इन तीनों में सबसे ऊपर आपका होता है द लिटिल, उसके नीचे ए लिटिल, और सबसे नीचे होता है लिटिल। लिटिल मतलब बिल्कुल भी नहीं, अ लिटिल मतलब थोड़ा सा, बहुत ही मामूली सा, और द लिटिल मतलब जितना उसके पास है उतना, लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं है आपका, ठीक है, वो भी सफिशियंट नहीं है। तो उन्हें जब रीड और राइट, पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं आता है, वर्ड्स की क्या होगा, द लिटिल होगी, जितना है उतनी
या फिर लिटिल होगी, तो लिटिल होगी ना, लिटिल नॉलेज होगी, क्या होगी, डी वाला ऑप्शन आपका, डी वाला ऑप्शन आपका लिटिल नॉलेज होगी। क्यों, बिल्कुल भी नहीं नॉलेज है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं नॉलेज है। फ्यू वाले तो आपके कट गए, अभी आप समझ गए होंगे लिटिल द लिटिल और लिटिल में आपका क्या डिफरेंस होता है। ऐसे ही आपका होता है फ्यू द फ्यू, ठीक है, यही डिफरेंस होता है, बस लिटिल किसके लिए लगता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, फ्यू लगता है काउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है। चलिए डी वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रॉबर्स आर शेयरिंग द मनी अमॉन्ग अमॉन्ग क्या, अवरसेल्व्स, देमसेल्व्स, देयर सेल्व्स या हिमसेल्व, क्या आपका ऑप्शन आएगा बताइए। कि जो रॉबर्स हैं उन्होंने शेयर करा मनी अमॉन्ग किस में शेयर किया, किन लोगों के बीच में किया, अवरसेल्व्स में हम लोगों के बीच में, या देमसेल्व में उन लोगों के बीच में, देयर सेल्फ, देखिए कोई वर्ड नहीं होता है, देयर सेल्फ एलिमिनेट कर दीजिए, देयर सेल्फ का जो वर्ड है कोई भी वर्ड नहीं होता, एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये बना दिया है हमने देयर सेल्फ, हिमसेल्फ, ठीक, बताइए। देखिए अवर सेल्फ तो होगा नहीं कि वो रॉबरी करके आए हैं, उन्होंने हमें पैसे बांट दिए, रॉबरी करके आए हैं, पैसे लेके आए हैं, तो वो अपने लोगों में बांटेंगे ना, अपने लोगों में, उन लोगों में बांटेंगे ना, जो भी वो लोग हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला, themselves, उन लोगों में, अपने लोगों में उन्होंने पैसे बांट लिए, the robbers are sharing the money among themselves, ठीक, robbers जो थे उन्होंने अपने लोगों में, उन लोगों में पैसे बांट लिए, हम लोगों में नहीं, ourselves में नहीं, उन लोगों में, ठीक, themselves आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम अलोंग विद द मेंबर्स ऑफ द फैमिली एंड दैट ऑफ हिज फ्रेंड डैश अ मूवी, क्या है, राम अपने मेंबर्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने एक फ्रेंड के साथ क्या है, अ मूवी, मूवी क्या कर रहा था, वर वॉचिंग, वॉज वॉचिंग, वॉच या वॉचिंग, मूवी देख रहा था, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। देखिए क्या होता है, अलोंग विद जब होता है आपका क्या होता है, अलोंग विद जो आपका है साथ में ना, अलोंग विद, तो इसके साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, जो फर्स्ट आपका सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब लगाते हैं, फर्स्ट वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट वाला सब्जेक्ट आपका क्या है, राम, राम के अकॉर्डिंग हमारी क्या लगेगी यहाँ पर, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, वॉज वॉचिंग, वॉज वॉचिंग राम के अकॉर्डिंग लगेगी ना, फर्स्ट वाला सब्जेक्ट, फर्स्ट वाला सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब आपकी आ जाएगी, वॉज वॉचिंग, देख रहे थे राम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने दोस्त के साथ क्या था, मूवी देख रहा था, वॉज वॉचिंग, ठीक, अलोंग विद के साथ फर्स्ट सब्जेक्ट अकॉर्डिंग वर्ब आती है, ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये वाला। चलिए समझ गए आप लोग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिज सेडेंटरी लाइफ स्टाइल सुमित हैज गेंड सुपरफ्लुअस वेट, क्या मतलब है इसका, कि सेडेंटरी मीन्स क्या होता है, बिल्कुल नीरस लाइफ, मतलब एक्टिव ही नहीं है, इनएक्टिव है, बहुत ज्यादा बैठा रहता है, लेटा रहता है, इस टाइप का पर्सन हो गया, बोरिंग लाइफ उसकी, कोई एक्टिवनेस नहीं है लाइफ में उसके, तो उसकी जो लाइफ स्टाइल है बैठे रहने की या कुछ हो, उसकी लाइफ स्टाइल है जो बिल्कुल एक्टिव नहीं है, कोई एक्टिवनेस नहीं दिखाता है, तो उस लाइफ स्टाइल की वजह से क्या है, सुमित हैज गेंड, बहुत ही ज्यादा उसका वेट जो है वो गेन हो गया, ठीक, ये कहा गया, उसका वेट जो है बहुत ही ज्यादा गेन हो गया, बढ़ गया उसकी लाइफ स्टाइल की वजह से, ठीक है, हमें कुछ ना कुछ अपना करता रह करते रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए थोड़ा। चलिए क्या आएगा, ऑन बिहाफ आएगा, विद रिगार्ड टू आएगा, अकाउंट फॉर आएगा, या फिर क्वीन टू आएगा, बताइए क्या आएगा, ऑप्शंस ध्यान से पढ़िए, क्या आपका करेक्ट होगा, कमेंट करके बताइए प्लीज। देखिए ऑन बिहाफ क्या होता है ना, ऑन बिहाफ ऑफ यू बोलते नहीं, किसी पर्सन के क्या है ऑप्शन आपको, ऑन बिहाफ किसी पर्सन के इंटरेस्ट पे ना, किसी इंटरेस्ट पे किसी पर्सन के, ऑन बिहाफ ऑफ यू, आपकी जगह आपकी ओर से, ये होता है ना ऑन बिहाफ। और सेकंड वो आपका क्या दे रखा है, अकाउंट फॉर, अकाउंट फॉर मीन्स क्या होता है, गिव अ रीजन, किसी चीज का रीजन देना, एक्सप्लेनेशन देना किसी चीज का, ठीक, अकाउंट फॉर किसी चीज का रीजन देना, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, विद रिगार्ड टू, इन रिस्पेक्ट ऑफ,
ठीक इन रिस्पेक्ट ऑफ होता है ना, विद रिगार्ड्स बोलते हैं, विद रिगार्ड्स, तो विद रिगार्ड्स मीन इन रिस्पेक्ट ऑफ, ठीक इन रिस्पेक्ट ऑफ किसी की, ठीक। और नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन आपका क्या है, ओइंग टू। ओइंग टू मीन्स होता है आपका बिकॉज ऑफ या फिर अकाउंट ऑफ, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ यू या बिकॉज ऑफ दिस, ठीक इसकी वजह से, क्यों, बिकॉज ऑफ मतलब रीजन आपका बताता है, और आपका बिकॉज ऑफ नहीं होता तो क्या होता है अकाउंट ऑफ, यहाँ पर आपका अकाउंट फॉर दे रखा है, अकाउंट ऑफ होता तो वो आपका उन दोनों में से देखा जाता, ओइंग टू और अकाउंट ऑफ में से, ठीक दोनों सेम हो जाते हैं, तो अकाउंट फॉर दे रखा है, ठीक इसका मतलब होता है एक्सप्लेनेशन किसी चीज का। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी वाला, डी वाला जो आपका है ओइंग टू। ओइंग टू, ओइंग टू मीन्स क्या होता है, because of उसकी लाइफ जो इनएक्टिव लाइफ है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, बिकॉज ऑफ उसकी लाइफ स्टाइल की वजह से, या इसको बोलते हैं अकाउंट ऑफ, अकाउंट ऑफ भी बोल सकते हैं, ठीक। तो ये आपका ओइंग टू का मीनिंग हो गया, यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा कि ओइंग टू हिज सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, बिकॉज ऑफ हिज सेडेंटरी लाइफ स्टाइल सुमित हैज गेन सुपरफ्लूअस वेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, ही इज टू डैश टू मेक अ स्टेटमेंट बिफोर द बॉस, ही इज टू वह बहुत ज्यादा क्या था, टू मेक अ स्टेटमेंट कि बॉस के सामने स्टेटमेंट देने के लिए, वो क्या था, क्या था, कावर्ड था, बोर्ड था, टायर्ड था, या फिर टिमिड था, बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, कावर्ड, बोल्ड, टायर्ड या टिमिड। कावर्ड क्या होता है, बोल्ड क्या होता है, इन सबके मीनिंग पहले देखिए, बोल्ड मीन्स क्या हो गया, ही इज टू बोल्ड मतलब वो बहुत बोल्ड है, टू मेक ए स्टेटमेंट बिफोर द बॉस, बोल्ड है तो स्टेटमेंट देने के लिए, क्यों वो उतना वो होगा कि स्टेटमेंट तो फिर वो आराम से दे देगा, ये नहीं कि इज टू बोल्ड टू मेक ए स्टेटमेंट। टू टू का यूज हम लोग कब करते हैं, नेगेटिव सेंस में, टू और टू जो होते हैं आपके, टू और टू होते हैं, इनका यूज किस में होता है, नेगेटिव, तो वो बोल्ड है तो अच्छी बात है ना, तो वो स्टेटमेंट दे दे, तो बोल्ड आपका एलिमिनेट हो गया। टायर्ड मतलब थका हुआ है, थका हुआ है तो वो सेंस नहीं आ रहा कि थका हुआ है तो वो स्टेटमेंट नहीं दे सकता, ऐसा नहीं, ये सब नहीं होता है, थकने का वो कोई रीजन नहीं है, टायर्ड भी नहीं होगा आपका। अब कावर्ड और टिमिड, देखिए कावर्ड क्या होता है, डरपोक इंसान, टिमिड क्या होता है, डरपोक। अब कावर्ड और टिमिड में से क्या डिफरेंस है, ठीक इनमें देखिए कॉवर्ड आपका क्या है, यह है एक नाउन, और टिमिड आपका क्या है, दोनों के मीनिंग सेम है लेकिन कॉवर्ड आपका नाउन है और टिमिड आपका एडजेक्टिव है। यहाँ हमें क्या भरना है, ही इज टू, वह क्या है बहुत ज्यादा, कॉवर्ड तो भर नहीं सकते हैं, ही की विशेषता बतानी चाहिए, सब्जेक्ट की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव बताएगा ना सब्जेक्ट की, तो ही इज टू कॉवर्ड आपका नाउन हो गया, दो नाउन कैसे आ सकते हैं, ही इज टू के बाद हम लोग एडजेक्टिव का यूज करेंगे तो कावर्ड आपका नहीं आएगा। कावर्ड का एडजेक्टिव अगर आपका होता वो क्या आपका होता है, अगर इसका एडजेक्टिव हमें चाहिए हो तो वो क्या आपका होता है, कावर्डली, कावर्डली, जैसे माइजर होता है, माइजर आपका नाउन हो गया माइजर, लेकिन अगर इसको हम लोग एडजेक्टिव में चेंज करेंगे तो माइजरली हो जाएगा, तो क्या आपका होगा, माइजरली पर्सन, एल वाई लग जाता है माइजरली पर्सन, ऐसे ही कावर्डली पर्सन हो जाएगा, तब आपका कावर्डली एडजेक्टिव हो जाएगा और आगे पर्सन नाउन हो गया, नाउन की विशेषता कावर्डली ने बता दी। यहाँ पे कावर्ड है ये पूरा एक नाउन है कि डरपोक इंसान, ठीक डरपोक, कावर्ड आपका क्या है नाउन है, टिमिड आपका एडजेक्टिव है ना डरपोक के सेंस में, और हमें क्या है यहीं पे सूटेबल ये वर्ड है कि वो इतना डरपोक है, मतलब डरपोक था कि मतलब स्टेटमेंट देने के लिए अपने बॉस के सामने, ही इज टू टिमिड टू मेक अ स्टेटमेंट बिफोर द बॉस, वह इतना डरपोक है कि वो स्टेटमेंट नहीं दे सकता, नेगेटिव सेंस में आया ना, तो कावर्ड आपका नहीं होगा, हमें एडजेक्टिव चाहिए, तो टिमिड आपका तो ऑप्शन है, टिमिड डी वाला, ये जो आपका है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक समझ गए आप लोग, क्या इसमें कावर्ड क्यों नहीं आया, टिमिड आया, और बोल्ड और टायर्ड क्यों नहीं आया, समझ गए आप लोग, कावर्ड आपका नाउन है, हमें नाउन नहीं चाहिए, हमें एडजेक्टिव चाहिए, टिमिड आपका एडजेक्टिव, इसलिए हमने दोनों की मीनिंग सेम है लेकिन टिमिड एडजेक्टिव है, हमें एडजेक्टिव चाहिए क्योंकि ही की विशेषता एडजेक्टिव बताएगा, वह बहुत क्या है, टिमिड है, ठीक है। चलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शी इज द गर्ल डैश स्टोल माई हैंड बैग, शी इज द गर्ल, यह लड़की है,
स्टोल माई हैंडबैग, मेरा हैंडबैग चुराया है, किसने, विच, हु, हुम, दैट, क्या आएगा आपका ऑप्शन बताइए, विच आएगा रिलेटिव प्रोनाउन आपका बताइए कौन सा आएगा, विच आएगा, हु आएगा, हुम आएगा, दैट आएगा, बताइए कमेंट करके कौन सा आपका आएगा। देखिए कि शी इज द गर्ल, जो शी है, जो गर्ल है, ये क्या है आपका नाउन है ना, सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट के लिए हमें कौन सा केस चाहिए होगा रिलेटिव प्रोनाउन में, सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस होता है ना हु, और हुम होता है ऑब्जेक्टिव केस, ये क्या होता है सब्जेक्टिव, ठीक है, और ये क्या होता है ऑब्जेक्टिव, हमें बताना है शी इज द गर्ल, शी बताना है कि वह क्या है, शी इज द गर्ल, यही वह लड़की है जिसने मेरा बैग हैंड बैग चुराया है, तो शी की विशेषता बताने के लिए ये जो सब्जेक्ट है इज द गर्ल हु, शी को बता रहा है ना, शी हु स्टोल माई बैग, जिसने मेरा बैग चुराया, लेकिन विच तो आपका नॉन लिविंग थिंग के साथ आएगा, विच नहीं आएगा, हुम आपका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, हुम भी नहीं आएगा, हमें सब्जेक्टिव चाहिए क्योंकि सब्जेक्ट की बताई जा रही है विशेषता, दैट की भी नहीं आएगा कि शी इज द गर्ल, यह लड़की है कि इसने बैग चुराया है, ये भी नहीं आएगा, तो हुम और दैट तो एलिमिनेट कर दीजिए, और विच भी आपका नॉन लिविंग थिंग के साथ आता है, तो आपका बचा कौन सा हु, और हु आता है आपका सब्जेक्टिव के लिए, यही वह लड़की है जिसने हु स्टोल माई बैग, विच स्टोल माई बैग नहीं होगा, हुम स्टोल माई बैग नहीं होगा, दैट स्टोल माई बैग नहीं होगा, ठीक, तो क्या होगा हु होगा, सब्जेक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन आपका आ जाएगा हु, तो कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा, बी वाला हु आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईच स्कूल हैज इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स, क्या है प्रत्येक स्कूल के क्या है अपने सेट ऑफ रूल्स हैं, रूल्स हैं कुछ अपने स्कूल के, ऑल गुड पीपल्स शुड फॉलो देम, ऑल गुड जो स्टूडेंट्स हैं, पीपल मीन्स क्या होता है शिष्य, स्टूडेंट, विद्यार्थी जो गुड हैं, शुड फॉलो देम, उन्हें फॉलो करना चाहिए, ठीक, जो भी स्कूल के सेट ऑफ रूल्स हैं, जो रूल सेट किए गए उन्हें स्टूडेंट्स को फॉलो करना चाहिए, बताइए क्या ऑप्शन होगा, बट और एल्स या फिर एंड, बताइए। देखिए जो स्कूल के रूल्स हैं उनको और तो नहीं आएगा कि और कि ईच स्कूल हैज इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स और ऑल गुड पीपल्स, या उन्हें सभी अच्छे बच्चों को फॉलो करना चाहिए, या का सेंस ही नहीं आ रहा है, करना चाहिए बच्चों को, या नहीं आएगा, और नहीं आएगा, ठीक है, बट मतलब लेकिन, लेकिन भी नहीं आएगा कि ईच स्कूल हैज इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स, लेकिन सभी को उन्हें फॉलो करना चाहिए, लेकिन भी नहीं आएगा, बट भी नहीं आएगा, एल्स मीन्स क्या होता है अन्य, एल्स भी नहीं आएगा, अन्य को उन्हें फॉलो करना चाहिए, अन्य सभी गुड बच्चों को उन्हें फॉलो करना चाहिए, एंड सिंपली आपका एंड से दोनों को ज्वाइंट कर दीजिए, कंजंक्शन आपका क्या आ जाएगा एंड, दो सेंटेंस आपके हो गए, दोनों को आपस में जोड़ दीजिए कि क्या है ईच स्कूल हैज इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स, प्रत्येक स्कूल के क्या है अपने कुछ रूल्स हैं सेट किए हुए, और अच्छे बच्चों को उन्हें क्या है फॉलो करना चाहिए, सिंपली आपका एंड कंजेक्शन लग जाएगा, बट नहीं आएगा, लेकिन का सेंस नहीं आ रहा है, और या भी मतलब नहीं है, एल्स अन्य भी मतलब नहीं है, एंड आपका जो है बी ऑप्शन एंड आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आज मैंने आपके फिल इन द ब्लैंक्स का सेट लिया था, फिलअप्स के क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर्स में से इसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके जरूर एग्जाम्स में ये वाले क्वेश्चन फिलअप्स के आता ही आता है एक में, ठीक है। तो चलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ में आए हो, तो प्लीज़ कमेंट करिए कि आपको कैसे लगे हैं क्वेश्चंस, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं या क्वेश्चन का आंसर क्या करिए प्लीज़। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए, ठीक। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए जिससे आप मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप वीडियो से पढ़ पाए, ठीक। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, चलिए।